सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML प्लेलिस्ट। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और मैं आपको HTML कोर्स में गाइड कर रहा हूँ। अब तक मैंने लेक्चर नंबर 14 तक आपको गाइड किया था और लेक्चर नंबर 15 अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं लेक्चर नंबर 15 की। सबसे पहले मैं फोल्डर बना लेता हूँ, लेक्चर नंबर 15.html, ठीक है। देखिए, लेक्चर नंबर 15 में मैं एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बात करूँगा, जो कि अभी तक लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं कर पाया, ठीक है। तो चलिए HTML, इसके बाद बॉडी, और सपोज एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पर टैग लिख रहा हूँ, ठीक है, H1। और मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर क्लास देकर यहाँ पर सपोज लिखता हूँ कि M, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एम हेलो वैभव, हाउ आर यू, ठीक है। तो ये हो गया मैं। और अगर मैं क्लास को अभी तक मैं क्या कर रहा था कि हेड सेक्शन में मैं स्टाइल को, प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा था, हेड HTML में जाके, हेड में फिर स्टाइल में जाके, ऐसा कुछ मैं कर रहा था, आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सेम वही चीज़ अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ, लेक्चर 15 css.css, ठीक है। अब मैं क्या किया मैंने कि मैं एक css फाइल बना, ठीक है। css फाइल का एक्सटेंशन होता है .css। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, सिंपली मैं वही चीज़ लिखूँगा जो मैं उस लेक्चर में लिखा था। आई थिंक मैंने m को ही यूज़ किया था यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, मैंने m को यूज़ किया, m। तो m आपका बैकग्राउंड कलर होगा, आपका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन, नहीं ग्रीन नहीं, आप चलिए पिंक कर देता हूँ। और आपका कलर होगा, आपका कलर होगा लेट अस सपोज ग्रे, ठीक है, ग्रे। इसको सेव करते हैं, ये एक्सटर्नल फाइल है और आपकी जो लेक्चर 15 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और चलिए लेक्चर नंबर 15 को ओपन करते हैं। फोल्डर आपका उसी में होना चाहिए, ठीक है। ये लेक्चर 15 है और यहाँ पे css 15 को ओपन करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कस्टमाइज नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हुई देखते हैं। ओके, हमने क्या किया कि भाई इसको कैसे पता चलेगा कि आपको लेक्चर 15 css.css से इसमें लिखना है, बताइए। तो मैं यहाँ पे एक लिंक दूंगा, ठीक है, वो भी हेड सेक्शन के अंदर ही होगी, हेड, और यहाँ पे एक आता है लिंक, ठीक है। लिंक आरियर इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ये फॉर्मेट है, याद कर लीजिए। और src यानी कि href लिख देता हूँ मैं, href इक्वल्स टू लेक्चर 15 css.css, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव, और अब रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए आ गया, पिंक कलर का बैकग्राउंड है और ग्रे कलर का कलर है। तो इस लेक्चर में हमने एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में स्टडी किया। चाहिए और इसके बारे में जो और लेक्चर होगा, जो और वीडियोस हैं, उसमें हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।